दो छोटे छोटे रात्रि क्लास हैं, रात्रि क्लास 25 अप्रैल 1968, प्रदर्शनी व म्यूजियम प्रोजेक्टर से अच्छी है, इसमें ज्यादा दिलचस्पी लगती है इसको समझाने के लिए, और चित्रों में सबसे अच्छी सीढ़ी है 84 जन्मों की। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, पहले 12 स्वर्ग था फिर नरक कहलाता है, और कोई देश स्वर्ग नहीं कहलाया जा सकता, सभी देशों को नरक ही कहा जाएगा, स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। क्यों? भारत के अलावा और देशों को नरक क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो भी और मनुष्य मात्र आए हैं विदेशों में धर्म स्थापना करने, वो सब नर ही हैं, और भगवान कोई नर अर्थात मनुष्य बनकर नहीं आता है, मनुष्य को भगवान कहा भी नहीं जाता है, मनुष्य कहा जाता है मन चलाने वाले को, मननात मनुष्य है, मनन चिंतन करने से मनुष्य बनता है, मनन न चिंतन न करे उससे नीचे स्टेज वाला हो, मन का उपयोग ही न करने वाला हो तो उसे जानवर कहा जाता है, और मन से भी परे की स्टेज में जो रहे अमन बन जाए उसे भगवान कहा जाता है। तो और देशों में मनुष्य धर्म पिताएं आए जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, इसलिए और सभी देशों में नरकी कहा जाएगा, क्योंकि नरकी करनी है भगवान की करनी नहीं है। स्वर्ग तो फिर स्वर्ग है, स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है, और सदाकाल स्वस्थिति वाला है भगवान। 3 जापान वालों की भाषा कुछ और होगी, यहाँ तो भारत की भाषा है जिसे माता पिता कहकर पुकारते हैं, बाहर देश वाले गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तो मदर फादर दोनों का बहुत चलता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का देश है, और देशों को प्रवृत्ति मार्ग का देश नहीं कहेंगे, वहाँ तो सिर्फ गॉड फादर की ही मान्यता है, गॉड मदर को मानते नहीं है। यहाँ तुमको जितना मजा आता है उतना कहीं और घरों में मजा नहीं आएगा, यहाँ पिता भी है भाई बहन भी है, और बच्चे अभी जानते हैं कि सभी सन्मुख बैठे हैं, अभी कितना छोटा परिवार है, भाई भाई तो है ही। तो देखो फिर यहाँ ये परिवार है माँ बाप और भाई बहन, फिर घर में जावेंगे तो माँ बाप तो मिलेंगे नहीं, बुद्धि में भी थोड़ों को आवेगा माता पिता बैठे हैं आबू में, यहाँ तो तुम गोद में बैठे हो
फर्क बहुत हो जाता है। यहाँ तो तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, वहां दुनिया में तो बहुत मनुष्य देखने में आते हैं। यहाँ तुम बाप दादा के सन्मुख बैठे, संगम युग पर है ये ईश्वरीय परिवार। दैवी परिवार होता है सतयुग में, ये है ईश्वरीय। और ब्राह्मण कुल है, परंतु परिवार ईश्वरीय कहेंगे, ईश्वर का परिवार है। अगर सिर्फ ईश्वरीय परिवार ही कहें तो फिर निराकारी दुनिया में चले जाएंगे, परंतु ये तो ईश्वरीय परिवार है तो जरूर कुल भी होगा। ब्राह्मण कुल कहो, ईश्वरीय परिवार कहो, इस समय संगम युग पर ही होता है, वहां इतनी भाषा नहीं आवेगी। जब तुम अपने घर में रहते हो तो वहां तो आत्मिक स्थिति है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, दूसरा कोई संबंध ही नहीं बनता। तो यहाँ रहने से याद बढ़ेगी। वास्तव में यहाँ रहने वालों का चार्ट अच्छा होना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं है, वो रूहानी रोहा भी नहीं रहता है। नहीं तो बहुत खुशी में रहे, बाबा ऐसे समझते हैं, क्योंकि अपना अपना अनुभव तो सुना सकते हो, यहाँ और वहां में क्या फर्क रहता है। यहाँ तो बाबा घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, ये है ही ईश्वरीय परिवार। यहाँ उसे गिरी हस्ती वाली गृहस्थी का तो अक्षर ही नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग भी गृहस्थी को कहा जाता है, यहाँ तो बाप और बच्चे हैं, ये भी संगम युग पर एक ही बार होता है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं ना, चक्कर फिरता रहता है, हमने 84 जन्म लिए हैं, कितने गुरुवार हुए होंगे हिसाब निकाल सकते हो, कितने मास हुए, कितने दिन हुए हिसाब निकाल सकते हो। जहाँ दादा है वहाँ बाप भी है। बंबई में जावेंगे तो दोनों ही इकट्ठे ही जावेंगे, ऐसे नहीं कि बाप जावेंगे तो दादा नहीं जावेंगे, या दादा जावेंगे तो बाप नहीं जावेंगे। ये बाप दादा अलग तो हो ही नहीं सकते। सतयुग आज कलयुग का अंत, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, अभी ये बात भी याद रहे और खुशी रहे, ये भी सदैव दिल में रहे, ये बाप दादा है तो मन मना बहु हुआ ना। बच्चों को सारा दिन याद रहना चाहिए बाप दादा, खुशी भी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी बच्चों को रहती नहीं है जैसे बाबा समझाते हैं। हम बाप दादा से सुनते हैं ये याद रहे तो चार्ट अच्छा हो जावे। सन्मुख में तुम बच्चों को बहुत मदद मिलती है, तुम बच्चे यहाँ आते हो तो फिर भी खुशी रहती है। हमेशा पहले आत्मा याद आनी चाहिए, पीछे शरीर। आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, तो अविनाशी याद आना चाहिए ना। पहले आत्मा पीछे जीव। आत्मा कहती है मैं शरीर धारण करके पार्ट बजाता हूँ,
कि तुम बच्चे जानते हो आत्मा कैसे शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, ये बना बनाया खेल है, पार्ट बजाना है और खेल बना बनाया है, कोई फिकरात की बात नहीं है, ड्रामा है, ये गए और जाकर के पार्ट बजाया, फूल बना अर्थात सत्व प्रधान बना, बच्चे को सत्य गुणी कहा जाता है, कहेंगे ये सच्चे महात्मा फूल है, बच्चों को तो सन्यासियों से भी उत्तम रखना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, बेचारे विकारों को तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। बाप दादा ने प्रश्न पूछा, बच्चे तुम्हारी माँ कहाँ है, बताओ माता पिता कौन है, तो कई ने बताया कि शिव बाप है, ब्रह्मा माँ है। बाबा बोले ये रंग है। फिर संदेशी ने सुनाया ब्रह्मा ही माँ है, ब्रह्मा ही बाप है। तो बाबा बोले ठीक है, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाप भी है तो माँ भी है, सिर्फ मेल होने के कारण माँ को मुकर्रर किया है। ज्ञान से माता पिता इनको कहना पड़ेगा, वो मम्मा तो चली गई, बाकी ये ब्रह्मा बूढ़ी रह गई है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ा मेला सागर और ब्रह्मपुत्र का लगता है। अच्छा ओम शांति। ये कुछ पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं रात्रि क्लास के बाद, मेल नहीं खाता है। अगला रात्रि क्लास है 26 अप्रैल 1968, म्यूजियम में व प्रदर्शनी में समझाना है, चित्रों पर समझाना होता है बेसमझों को, और ये तो तुम समझते हो कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग, समझदार तो सिर्फ तुम ही बनते हो, तो तुमको समझाना भी पड़ता है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत अच्छे आते हैं और अच्छे सर्विसेल बच्चे भी बहुत कम हैं। सर्विस स्टेशन सभी सेंटर से है दिल्ली में, वहाँ स्पिरिचुअल म्यूजियम है, इस अक्षर का भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है, पूछते हैं आप भारत की क्या सेवा कर रहे हो, अब ये हैं तो जंगली लोग, भगवान वाच है ना, ये जंगल है, तुम तो संगम युग पर हो, न फॉरेस्ट के हो न गार्डन के हो, अभी तुम गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इस रावण राज्य को राम राज्य बनाए रहे हो। तुमसे कोई पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आता है, बोलो ये तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम तो जानते नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं, आकर के समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है,
वो तो सावरणी को मानते ही नहीं है, इसलिए सावरण को भगाई दिया। तब ही तुम तमो प्रधान गंदे बन गए हो। तो सावरणी अच्छी नहीं लगी, ब्राह्मण अनुसार उनका भी दोष नहीं है। ब्राह्मण में जो कुछ होता है वो हम पार्ट बजाते जाते हैं, कल्प कल्प ये पार्ट चलता चला आया है कि बाप द्वारा स्थापना हो रही है, इसके लिए खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, और तो किसी को पता भी नहीं है कि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हारा नाम तो मशहूर है, तुम अनमोल वारियर्स हो, ऐसे तो अननोन वारियर्स कब होते नहीं है, और अननोन वारियर्स तो बहुत नहीं हो सकते, क्योंकि सिपाही लोगों का तो सारा रजिस्टर रहता है, ऐसा तो कोई हो न सके जिसका नंबर न हो रजिस्टर में। परंतु अननोन वारियर्स तो तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में कोई नंबर नहीं है, और कोई हथियार पवार भी नहीं है, जिस्मानी हिंसा तो है ही नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, तो उसकी याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। सतो प्रधान बने उनके लिए फिर सतो प्रधान राज्य चाहिए, तो वो सतो प्रधान राज्य से तुम स्थापन कर रहे हो। परंतु ये सतो प्रधान राज्य की किमत पर स्थापन करते हो, जिसकी मत पर तुम ये सतो प्रधान राज्य स्थापन करते हो वो तो गुप्त है, निराकार को गुप्त भी कहा जाता है। जब आकर के इनमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो गुप्त उनको कहा जाता है जो देखने में ना आता हो। शिव बाबा भी है पर इन आंखों से नहीं देख सकते हो, तो तुम भी गुप्त हो और बाप भी गुप्त है, तुम गुप्त से शक्ति ले रहे हो। बच्चे जानते हैं हम पति से पावन बनते हैं, पावन में शक्ति होती है, पतित में तो शक्ति होती नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। सत्युग में तुम पावन होंगे, उनों की ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। अभी तुम बाप से शक्ति लेकर शक्तिशाली बन, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया का राज भाग ले रहे हो। बाप कहते हैं बाहुबल से कब कोई ने विश्व पर राजाई पाई नहीं है, ये तो योग बल की बात है। वो लड़ाई लड़ते हैं परंतु राज्य तुम्हारे हाथ में आ जाता है बिना कोई लड़ाई के, क्योंकि तुम्हारी है सारी योग बल की बात। सर्वशक्तिमान बाप तुम्हारी ओर है, उनसे शक्ति तुमको मिलनी चाहिए। यहाँ तुम बैठे हो तो बाप को और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं,
परंतु कोई को स्मृति रहती है, कोई को नहीं रहती है, सभी को तो नहीं रहती ना। ये स्मृति होनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य अंत रचयिता और रचना को हम जानते हैं। तुम बच्चों को ही नॉलेज मिलती है, बाहर वाला तो इस ईश्वरीय नॉलेज को समझ भी न सके, इसलिए बाहर वालों को यहाँ बुलाया नहीं जाता है। पति तो पावन बाप को सभी पुकारते हैं, परंतु वो कोई अपन को पति समझते थोड़े ही है। ऐसे ही तोते मिसल बोलते रहते हैं, ये भी नहीं जानते पावन दुनिया और ये पतित दुनिया है। गाते हैं पतित पावन, गांधी जी भी गीता उठाते थे, परंतु पिछाड़ी में भोग उल्टा लगाते थे। सभी हैं ब्राइड, बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही है सर्वगति सबकी सदगति करने के लिए। तुम बच्चों को कितना संगारते हैं, अभी तुम बच्चों को डबल इंजन मिली हुई है, ऊंच से ऊंच चढ़ाई तुम्हारी है। जब ऊंची चढ़ाई होती है, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो ट्रेन को दो इंजन लगाते हैं। ये बाप तो बड़ी इंजन है, ये रोल्स रॉयल्स इंजन है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बड़ी अच्छी होती है, बाप भी ऐसे ही है। कहते हैं हे पति तो पावन आओ और हम भी को ले जाओ, पति को पावन बनाकर साथ में ले जाओ। तुम तो यहाँ बैठे हो बिगर झांझ बजाए, तकलीफ की तुमको कोई बात नहीं होती है। बाप को याद करते रहो, जो रास्ते में मिले उसको रास्ता बताते रहो। बाबा बिच्छू का मिसाल भी देते हैं, जहाँ नरम देखो वहाँ डंक मार दिया। बाप कहते हैं मेरे जो भक्त हैं उनको सुनाओ, लक्ष्मी नारायण के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, राम के भक्त हो, उनको ये ज्ञान देना चाहिए। देवी के भक्तों को क्यों नहीं देना चाहिए है? हनुमान के भक्तों को क्यों नहीं देना चाहिए है? हाँ, क्योंकि देवी के भक्त हैं रावण संप्रदाय, उनको सुना देंगे तो वो उल्टा तुमको ज्ञान देने लग पड़ेंगे। अच्छा, व्यर्थ तो कभी गंवाना ही नहीं है, पात्र देख करके ज्ञान देना चाहिए। वो पात्र को कभी ज्ञान देना ही नहीं है। अगर को पात्र को दिया तो क्या होगा, मिसयूज करेगा। 26 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। जो पतित मनुष्य होते हैं वो तो पतितों को ही ज्ञान देते हैं। तुम पतितों को बाप के सामने नहीं लावेंगे। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं उनको ही बाप के सामने लाते हो। पतित को दान देने से पतित ही बनेंगे, और ही कदम नीचे उतरना पड़ता है। अभी तुम समझते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप खुद आकर के समझाते हैं। वास्तव में मैं शक्तिवान नहीं हूं,
कहते हैं राम और रावण, रावण डुबोते हैं वो चढ़ाते हैं। तो रावण विकार में गिरते ही जाते हैं और रावण सभी को डुबोते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर के सभी को उत्तम बनाते हो। रावण कब आते हैं वो भी संगम ही हुआ, उसे भी कहेंगे कलयुग और सतयुग का संगम। और वो संगम है फिर द्वापर और त्रेता का, वो दिन है और वो रात है। ब्रह्मा का दिन रात ये अक्षर शास्त्रों में है। यहाँ ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का दिन और रात भी है, ब्रह्मा नहीं है तो ब्रह्मा का दिन और रात भी नहीं। सुनाते भी है, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। कहाँ की बात हुई? संगम युग की कैसे? शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा का दिन भी है तो ब्रह्मा की रात भी है। ज्ञान कितना समय चलता है और भक्ति कितना समय चलती है वो भी कोई समझते नहीं है। तो ये सभी बातें समझ करके फिर समझाते हैं। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। हद के बाप तो जन्म बाई जन्म मिले, बेहद का बाप सिर्फ एक बार ही मिलता है। बेहद का बाप आते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब मैंने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत है, और सारी दुनिया तो घोर अंधियारे में पड़ी है। अभी उन अंधों को जगाना है, आधा कल्प के सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, भाई को ज्ञान दो तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा जब पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिल जाता है, परंतु अभी तो शरीर पावन नहीं मिल सकता। कब मिलेगा है? आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है, परंतु अभी तो शरीर पावन नहीं मिल सकता, क्योंकि शरीर तो सड़ते जावेंगे और आत्मा भले पावरफुल होती जावेगी, परंतु आत्मा के वाइब्रेशन भी पावरफुल इतने हो जाएं और आत्मा भी वो पावरफुल वाइब्रेशन वाली सृष्टि पर बचे, तब सृष्टि के पांच तत्वों का परिवर्तन होगा। तब पांच तत्वों के शरीर भी पावन बनेंगे। तो ये कब होगा है?
दुनिया का विनाश होने से पहले होगा या बाद में होगा? जब तक ये पांच तत्वों की दुनिया है, तामसी तमो प्रधान, और उसमें रहने वाली आत्माएं भी तामसी हैं, जो पुरुषार्थ न करने वाली है या पुरुषार्थ में कमजोर है, ऐसी आत्माओं का संगठन जब तक नहीं बना है पक्का मजबूत, तब तक इस दुनिया के वाइब्रेशन खराब ही होते रहेंगे। खराब वाइब्रेशन वाली दुनिया में सतोपदान शरीरों का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि अभी तुमको पावन शरीर नहीं मिल सकता। ये 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया है, इसमें सब योगी तो नहीं हो सकते। भोगियों की संख्या बहुत रहेगी और योगियों की संख्या मुट्ठी भर, तो वो वाइब्रेशन को खराब करते रहेंगे। पांच तत्व को तमो प्रधान बनाते रहेंगे, इसलिए शरीर सतो प्रधान नहीं बन सकते। हाँ, पवित्र बनना तो सभी को है। कोई शरीर छोड़ने के बाद पवित्र बनेंगे, कोई शरीर रहते रहते ही पवित्र बनेंगे। जो योग बल से पवित्र बनेंगे उनकी बलिहारी है, बाकी भोग बल से पवित्र बनेंगे, धर्मराज की सजाओं से पवित्र बनेंगे, वो कोई खास बात नहीं है। सजाएं खाई, पद नीचा हुआ, तो तुम बच्चों की मेहनत ही है याद की यात्रा में। बाबा तो बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस भी कराते हैं, सिखलाते हैं, कहां भी जाओ तो बाप की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग होते हैं कितना शांति में जाते हैं, परंतु वो तो क्राइस्ट की याद में जाते हैं। क्राइस्ट तो नर था, नर की याद करेंगे तो पावन तो नहीं बन सकते। तुम तो उसकी याद में जाते हो जो सदैव सही स्थिति में रहने वाला है, तो वो तो क्राइस्ट को याद करते हैं। पोप उनका भला बड़ा है, परंतु याद फिर भी क्राइस्ट को करते हैं। यहां भारतवासी तो अनेकों को याद करते रहते हैं। बाप कहते हैं कि एक के सिवाय और कोई को याद न करो। बेहद के बाप से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के हम हकदार बनेंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, सतयुग में सभी जीवन मुक्ति में थे। जीवन भी था और दुख दर्दों से मुक्त भी थे। इस कलयुग में सभी जीवन बंद में है, ये किसको भी पता नहीं है कि यहाँ सभी बंधन में है। न शास्त्रों में है, इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनो ही नहीं। भक्ति तो आधा कल्प की है, अभी तो तुम संगम युग पर हो। बाप ही आकर के ज्ञान सिखलाते हैं। ज्ञान भी है, भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। तो ये बातें समझ करके और समझाना है
बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करने के लिए चारों ओर चक्कर लगाते रहे, ये तो तुम्हारा फर्ज है। मनुष्य मात्र को ये मालूम होना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे पास सारे पाप कट जाएंगे। ये सच्ची गीता है जो बाप सन्मुख आकर मुख से समझाते हैं, वो गीता तो झूठी है। कागज के पत्तों में लिखी हुई गीता भी झूठी है। वो भक्ति मार्ग की गीता तो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ये हाल हो गया है। तो देखो मनुष्य मत से कैसे गिरे हैं, मनुष्यों नहीं शास्त्र लिखे हैं, भगवान तो आकर के डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। तो भगवान की मत से तुम वर्षा लेते हो। मूल बात है जो बाप समझाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो और औरों को भी परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है ना, कोई को भी फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देख करके देना है। सतो प्रधान बनने की युक्ति तो बाप ही आकर के बतलाते, परंतु बाप बच्चों को डरोपा देते हैं कि तुम लौकिक बाप को इतना ही याद करते हो और पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। तुमको तो लज्जा आनी चाहिए, तुम पवित्र प्रवृत्ति गृहस्थ व्यवहार में थे, अभी फिर तुमको पवित्र बनना है। तुम भगवान के गॉडफादरली स्टूडेंट हो, तो अपने अंदर देखो कहां हमारी बुद्धि भटकती तो नहीं है। बाप को हमने सारा दिन में कितना समय याद किया, वो बाप तो हमको गटर में वैश्यालय में ले जाते हैं और बाप तो तुमको शिवालय में ले जाते हैं। बाप समझाते हैं अभी और सब संग तोड़ो और एक बाप के संग जोड़ो, ये बात भूलनी नहीं है, ये भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं दिखाई पड़ेगी, तुम्हारी दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, बहुत भारी मंजिल है। और ये ऊंची मंजिल का ज्ञान ही तुमको अभी ये मिलता है। भाई भाई कहते तो सभी हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। फिर परमपिता परमात्मा हैवनली गॉडफादर है, उसकी संतान होते हुए हम यहाँ नरक में क्यों बैठे हैं? बाप स्वर्ग की रचना करने वाला, फिर हमें स्वर्ग में होने चाहिए, नरक में क्यों बैठे हैं? तुम इन बातों को समझाते समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। 26/4/68 की रात्रि क्लास का 30वां पेज। बाप को सर्व से उन बच्चियां बहुत चाहिए, सेंटर्स खुलते जाते हैं, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु सेंटर संभालने वाली भी चाहिए। और चाहिए भी सर्व से बोलो अच्छी महारथी बच्ची, क्योंकि टीचर्स में भी नंबर वार तो होते हैं ना, म्यूजियम में भी बहुत अच्छी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं जहाँ भी लक्ष्मीनारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए।
संदेश तो जरूर देना चाहिए। समझाओ, तुमने कोष घर खोला है। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम ये सिर्फ धर्मशाला के नाम पर बना कर देते हो। ये तो तुम पाप आत्मा हो, क्योंकि तुमने ये कोष घर बना करके दिए। ऐसे ऐसे समझा कर उनसे हाल ले लो, पहले किराया दो, फिर समझते समझते आप ही दे देंगे। वो तो समझते हैं पुण्य का काम है। तुम्हारी बात को समझेंगे तो कहेंगे हाँ हम तो ये पाप का काम करते थे। उनको चिट्ठी लिख करके भी समझाओ तो हाल तुमको मिलेंगे जरूर। श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। यहाँ तुम ईश्वर के घर में बैठे हो ना, सात रोज भट्टी में रहते हो तो परिवार के साथ भी रहते हो ना। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। भोग लगाते हैं तो बन की तुलसी, काली तुलसी उसका भी भोग लगाते हैं और हरी तुलसी का भी भोग लगाते हैं। हरी तुलसी आराम से मिल जाती है क्योंकि परिवार में घर के अंदर ही पैदा होती है। जंगल की तुलसी जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में। भगवान के बगीचे में नहीं होती। और धर्मों के ग्रुप में शामिल हो जाना माने कांटों का जंगल। है ठीक, वृंद कहते हैं समूह को। किसका समूह? देवताओं का समूह। जहाँ 16,108 गोप गोपियाँ जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो सब इकट्ठी हो गई, उस वन का नाम रख दिया वृंदावन। वृंद माने समूह। उन्होंने फिर एक बगीचा बना दिया है वहाँ वृंदावन में। अष्टदेव भी पहले प्रत्यक्ष नहीं होते। अष्टदेवों में पहला और जो त्रिदेव हैं नंबरवार ऊंचाई वाले, उससे पहले के साथ साथ दूसरा और तीसरा पहले प्रत्यक्ष होते हैं। उनके पार्ट पहले डिक्लेयर होते हैं। तीन सीट फिक्स हुई है। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। लेकिन इससे पहले अव्यक्तवाणी में बोला गया है दो तीन सीट फिक्स हुई है। उससे पहले बोला गया दो सीट फिक्स हुई है। क्षेत्र में तो एक क्लियर ही हो जाता है। ब्रह्मा और जगदम्बा तो एक ही हैं। जगदम्बा ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, जगदम्बा को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती, इसलिए एक ही नहीं है। ब्रह्मा को पतित कहेंगे, जगदम्बा को पतित नहीं कह सकते। हाँ, महाकाली का रूप धारण करती है वो अलग बात, अड़भंगा रूप धारण करती है। जैसे शंकर के बारे में बोला हुआ है अड़भंगा,
शंकर का पार्ट ऐसा है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, वो तो रचयिता का रूप है। रचयिता को समझना आसान है या रचना को समझना आसान है? रचयिता को समझना फिर भी आसान है, लेकिन रचना को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। शरीर छोड़ दिया, उनकी कोई बात ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा दिखाया जाता है वो कौन सा ब्रह्मा दिखाया जाता है? दाढ़ी मूछ वाला ही दिखाया जाता है। ये तो बाबा ने आके हमको बताया कि वास्तव में असली ब्रह्मा तो तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु ये तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। तो मम्मा को निमित्त बनाई दिया है। असली ब्रह्मा तो अभी प्रत्यक्ष होना है। जब ये ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला अपना शरीर छोड़ दे, फिर किसी माता के तन में प्रवेश करे, तब जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष हो। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। एक कैसे हो गए? ब्रह्मा जब कहा जाता है तो सबकी बुद्धि में आता है दाढ़ी मूछ वाला, लेकिन उसका अर्थ जब गहराई में जाएंगे तो ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, तो अर्थ तो क्लियर नहीं हुआ। बड़ी माँ का माँ तो स्त्री चोले में होनी चाहिए। तो वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जिसने प्रैक्टिकल जीवन में सहन शक्ति का पार्ट बजाया माता का, वो स्त्री चोले में भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तब जगदम्बा कहा जाता है। उस समय वो जगदम्बा के रूप में जो भी बड़े से बड़ा गोवर्धन पहाड़ है, 16,000 गऊओं को पालना देने वाला, उसको पालना देने के निमित्त बनती है माँ। बाबा जब उनको ब्रह्मा कहा गया शुरू में, उस टाइम में लोगों के मन में ये बात थी ही नहीं कि वास्तव में ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो बाबा ने एडवांस में बात ये बताई है। मुरली तो पहले ही बोली गई है, सुनने वालों ने न सुनी। वो ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही देखते रहे गोरा चिट्ठा, तो इसमें सुनाने वाले की क्या आदर कमी? बाबा ने एडवांस में बात बताई है। एडवांस में बताई है वो 76 के बाद बताई है या पहले ही बता दी थी? मुरली में तो पहले ही बातें सारी बताई गई। जो एडवांस में जो भी बातें नई नई निकली हैं हजारों की तादाद में, वो नई नई बातें पहले ही मुरली में बता दी थी या 76 के बाद ही बताई है? मुरली में तो पहले ही आई हुई। और आज भी वहाँ बेसिक पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, कोई भी उसको जो है इस वास्तव में ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुरली वो उन्होंने जो मुरली छाप के रखी है वो कहाँ ले जाएंगे? माउंट आबू से जो मुरलियाँ छाप के रखी है वो कहाँ ले जाएंगे? दतिया नुसी करने के लिए भले बोल रहे हैं ये तो आपकी छपाई हुई मुरलियाँ हैं, हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा मामला, तब ऐसे नहीं होता है। जहाँ जन कल्याण की बातें आ जाती हैं वहाँ ऐसे नहीं होता। वकील लोग मोहरा बंद कर देते हैं जजों का। तो बाबा को ही जजमेंट देना पड़ेगा। जजमेंट तो सारा दिया हुआ है मुरली में। जजों के मुंह से वही बात कहनी पड़ेगी बाबा को। बाबा ब्रह्मा बाबा का अभी जो साकार में पाठ चल रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको पिता का पाठ कहेंगे? अंत में तुम जगदम्बा बनेंगे, लेकिन अभी जो मध्य का पाठ है उसको क्या? अभी कहाँ है पाठ? अभी प्रजापिता में प्रवेश करके जो पाठ बजा रहे वो तो किसी को मान मर्तबा देने की निशानी है, सर के ऊपर बिठाया। जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है, बहुत काम का है, बहुत अच्छा सुचरित्र है,
तो माँ बाप उसको सर पे चढ़ा लेते हैं, जैसे गंगा को। ऐसे ही टिकिल का बच्चा है। इस शक्ति का पहला पत्ता कौन है? ये विश्व पिता का बच्चा कौन है प्रैक्टिकल में? है कृष्ण बच्चा। उसके बगैर सारे संसार की प्रत्यक्षता थोड़ी हो सकती है। बच्चा ही बाप को प्रत्यक्ष करता है। मतलब परमाते पर रखना, वजूद देना, महत्व देना। हाँ, उनके मुख से ही तो निकली है वाणी। मतलब ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, शर्माते पर तुम्हारी बातें। बाबा लौकिक के लिए तो सन्यासी है, वही अक्सर कहते हैं ब्रह्मा अपनी जीव अक्सर वही कहते हैं। हाँ जी, तो उसी का जो सूक्ष्म रूप बीके वाले हैं वो जो इस बात को वो भी यही अक्सर यही कहते हैं कि हम जो है क्या ब्रह्मा है। नहीं, वो कहते हैं कि पुरुषार्थ करके हम ब्रह्मा बन जाएंगे। मैंने सर्वव्यापी होता है भगवान, ब्रह्मा तो उसी को कहा जाता है जिसमें शिव प्रवेश करे। शिव ने प्रवेश ही नहीं किया तो ब्रह्मा कहाँ से टाइटल मिल गया? वेद वाणी कैसे कही जाएगी? वेद माने, वेद माने जानकारी, जानकारी माने सच्चाई। वेद वाणी उसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञानामृत नहीं है, वो सिर्फ वेद वाणी है। हाँ, सिर्फ प्रवेश है, लेकिन प्रवेश होना का मतलब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वाणी का अर्थ ही क्लियर नहीं हुआ। जैसे शास्त्रों को लोगों ने सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, अर्थ तो कुछ भी नहीं निकला। बाबा वो वाणी कब निकली जब शिव ने प्रवेश किया? हाँ, शिव ने प्रवेश करके सुनना सुनाने का फाउंडेशन डाल दिया। तो उसी वाणी को आज आधार मान के एडवांस पार्टी जो है अपने एडवांस पार्टी सारे का नाम न लो, सारी एडवांस पार्टी उस वाणी को पकड़ पाती है। हाँ, तो बाप ही आकर के समझाता है ना, टीचर का रूप बिल्कुल भूल गया। बाप जो बताते हैं बच्चे वही तो बाप बताते हैं, तो बाप ने ही बताया ना, क्लियर किया ना। बच्चे तो, बच्चों ने तो स्वयं अपने को क्लियर नहीं कर पाया वाणी के आधार पर। हाँ, इसलिए तो भक्ति मार्ग में बोला जय जानो ते देव जन आई, जान से तुम्हें हुई जाई। भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, ये भी बाप की पहचान है क्या? औरों का परिचय दूसरे देंगे, लेकिन बाप का परिचय सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। बच्चे का जन्म होता है तो माँ उस गायन की माता उसको पता थी कि ये तेरा बाप है, तो उसका शूटिंग कैसे? तो ये अभी कौन किसकी वाणी ने बताया कि तेरा बाप है? पूछते भी जाते हो, बताते भी जाते हो। अभी ब्रह्मा की वाणी ने ही तो बताया ये तेरा बाप है, नहीं तो कौन सा तरीका है बाप को पहचानने का? और कोई तरीका है नहीं बाबा जी। एक मास्टर का प्रश्न है, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला। हाँ जी, तो जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणी चली है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो वाणी चली, तो ब्रह्मा बाबा विष्णु है कि ब्रह्मा है? उनकी जोड़ी को विष्णु बताया है, ब्रह्मा की जोड़ी, ब्रह्मा की जोड़ी ओम राधे सरस्वती, उसको जोड़ी कहें? जोड़ी है कि उनकी बेटी है वो 14 साल की कन्या, और ब्रह्मा बाबा 60 साल के, उनको जोड़ी कहें?
बाबा उसी वाणी से प्रत्यक्ष हुआ ना बाप? नहीं, उनकी वाणी से बाप प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष किसने किया? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला माने यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता और लक्ष्मी की आत्मा थी, उन दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए थे। उनका झगड़ा नहीं होता था। आदि में सृष्टि के आदि में भी उनके संस्कार मिले हुए थे। सबसे पहले जो आदि में, तो अंत में विष्णु, फिर उनसे पैदाइश हुई दादा लेखराज ब्रह्मा की। उनसे भी पहले कहेंगे जगदम्बा की। क्योंकि पहले पहले किसने सुना? दादा लेखराज ने डायरेक्ट सुना या जगदम्बा ने डायरेक्ट सुना? जगदम्बा ने सुना। दूसरे नंबर का ब्रह्मा वो हो गया, तो तीसरे नंबर का ब्रह्मा जिससे सुना, और जिसने पहले सुना जगदम्बा से, वो तीसरे नंबर का ब्रह्मा हो गया। लेकिन उन सबको पार करके अव्वल नंबर ब्रह्मा की स्टेज में कौन पहुंच गया? नहीं, चार भुजाओं में अव्वल नंबर भुजा किसको रखे? जो प्रैक्टिकल स्टेज में पहुंच गया, सुनने सुनाने से भी परे, समझने समझाने से भी परे, लेकिन कार्य को संपन्न करने में प्रैक्टिकल स्टेज में पास हो गया। 11 मई वो मदर्स डे माना जाता है। 11 मई वो मदर्स डे करके माना जाता है फॉरेन कंट्रीज में। और सभी मदर्स डे 11 मई और ब्रह्मा का दिन, वो दोनों का कुछ कॉन्टेक्ट कनेक्शन है? ब्रह्मा कोई क्रिश्चियन धर्म का है क्या? है मदर डे इसलिए मानते होंगे क्रिश्चियंस में कि जीसस ने जिसने जिससे जन्म लिया उसका जन्म हुआ, मानते हैं। आखिर जीसस ने कोई से जन्म लिया ना, तो जिससे जन्म लिया वो उसकी मदर हो गई। धनत्रयोदशी की शुरुआत की निशानी की शुरुआत की निशानी हाँ जी, नए बर्तन आते हैं। बर्तन माने पात्र, चैतन्य पात्र है जड़ पात्र है, चैतन्य पात्र आते हैं तो नई दुनिया बनती है चैतन्य पात्रों की, नया ड्रामा शुरू होता है। चलो।